नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर नालंदा से है। पिछले 13 जून से गायब युवक की निर्मम हत्या के बाद राजगीर के स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है और सबको बीच सड़क पर रखकर करीब 2 घंटे तक आगजनी व हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों की मांग थी कि इस घटना में शामिल लोगों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। हत्या की घटना के बाद इस सियासी पारा भी गर्म हो गया और राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। वहीं इस संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष विजय मुखिया ने कहा कि पिछले 15 दिन की बात अगर की जाए तो नालंदा जिले में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गई है। यही कारण है कि दिन की शुरुआत अब नालंदा में हत्या से होती है और रात गोलीबारी की घटना से समाप्त होती है। खासकर राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, अगर यहाँ पर इस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए तो इसका असर कुछ खास होगा। आज अभी दोनों हत्याएं निर्मम हत्या किया गया है, जिसको देखने से ही देखा पार नहीं लगता है। इस हत्या से राजगीर के लोग पूरा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि क्या होगा आगे, कि आगे अपराधी बेखौफ घूमता है पिस्तौल लेके, गोली लेके। सड़क जाम भी था वहाँ, आगजनी भी। हाँ, दोनों हत्या के बारे में मैंने बाद रात में जो लाश मिली सामने, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद परिवार को सही मुआवजा दिलाने हेतु, सही अपराधी को पकड़ने हेतु हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता रोड पर रख के अपना शांतिपूर्वक मांग किए प्रशासन से कि उसको जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करें और जो सही मुआवजा है, गरीब परिवार है उसको सही मुआवजा